नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दलित नाबालिग लड़की का एक माह पहले कुछ दबंगों के द्वारा अपहरण किया गया था। इस मामले की बाकायदा थाने में FIR भी दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा 24 घंटे में उसे दिल्ली से बरामद किया गया। मामले में एक आरोपी को जेल भेजा गया जबकि 3 आरोपी के बचाव में पुलिस जुटी हुई है। मामले में पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से कई बार फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इंसाफ। इसी क्रम में परिवारजनों ने शहर के अम्बेडकर पार्क पहुंचकर वहां एक अनोखे अंदाज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रार्थना पत्र के माध्यम से आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। मामला दलित नाबालिग किशोरी से जुड़ा था, इसलिए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई थी और 24 घंटे में सही सलामत युवती को बरामद कर लिया गया था। वो लगातार इस मामले को लेकर अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं और अब वो आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार करने के लिए रामपुर के अंबेडकर पार्क में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शरण में आए हैं और उन्होंने बाबा साहब से प्रार्थना पत्र के माध्यम से इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। क्या हुआ है आपके साथ जो आज अंबेडकर पार्क में आया? हमारे साथ, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे 4 लोग लेके गए थे और जहाँ भी जाते हैं वो पकड़ नहीं रहे और थाने गए थे तो थाने वाले हमसे कहते हैं बस एक का नाम ले लड़के का, चार तीनों का मत ले। जब हमें तीनों ने उठाया, चारों ने उठाया तो हम चारों को नाम देंगे। कौन सा थाना? पटवाई थाना। कितनी उम्र है आपकी? 14 वर्ष है। आपको उन्होंने किडनैप किया, आरोप है आपका? हाँ। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। कितने लोग थे? 4 लोग थे। उनके नाम वगैरह कुछ जानते हैं? लालता प्रसाद और प्रेमपाल, सोहनलाल और शंकर। आपने इनमें से कितने लोगों के खिलाफ करवाई है? 4 के खिलाफ करवाई है। और जेल किन किन को भेजा है? जेल तो बस अभी एक ही गया, 3 तो घर ही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमसे एक का ही नाम दिलवाती है, तीनों को छुड़वा देती है। आप पर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ। किन लोगों ने दबाव बनाया? पुलिस वालों ने। कितनी उम्र है आपकी? 14 वर्ष। अच्छा, कितने दिन के लिए आपको अगवा करा था, अपहरण करा था? कितने दिन के लिए? हम सुबह, मतलब एक दिन के लिए करा था। कहाँ से ले गई थी पुलिस आपको? हमें दिल्ली से ले गई पुलिस। कैसे ले गए थे वो लोग? पता नहीं कैसे ले गए, हम तो पटवाई थाने वो खाता खुलवाने आए थे। हम खाता खुलवाने आए थे, पीछे जहाँ ऑटो ऑटो खड़े होते हैं इससे पीछे को इंजे लालदेव प्रसाद, प्रेमपाल, सोहनलाल हम पीछे बुला के, तो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, हम बेहोश हो गए। और ये बताइए वहाँ से आप कैसे बच गए? वहाँ से पुलिस वाले पहुँच गए वहाँ पे। आप लोगों ने FIR कराई थी? हाँ कराई थी। अब यहाँ क्या क्या करने के लिए आए हो? बाबा साहब से इंसाफ लेने के लिए आए हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी जिंदगी ज़्यादा खराब होगी हम आत्महत्या कर लेंगे। आप क्यों आए हैं यहाँ पर अंबेडकर पार्क में? सब हम आए हैं सब अधिकारियों के पास जाके थक हार के बाद में, अब बाबा साहब के चरणों में हम आए हैं इंसाफ मांगने। संविधान के रचयिता हैं, कुछ तो इंसाफ दिलाएंगे। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की पटवाई त्राय के पीछे से ऑटो रिक्शा के स्टैंड के पीछे से उठा ली गई, जिसमें कि 3 आदमी उन्हें डराया धमकाया, चौथे आदमी के साथ भगा दिया। और ये बोलते हैं कि वो प्रेम प्रसंग में भाग गई। प्रेम प्रसंग में एक के साथ भागती है कि चार चार के साथ भागती है? वहाँ जाके साहब पहुँचा दी दिल्ली। वहाँ जाके बोल रहे हैं कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। 14 वर्ष की लड़की कैसे शादी करती है? कौन से संविधान में लिखा है कि 14 वर्ष की लड़की कहीं भी जाके शादी कर ली? किस मंदिर में करी है, किस पुजारी से कराई है, वो सब बताया जाए। दूसरी बात, पुलिस में जाओ तो पुलिस नहीं सुनती। दबंग आदमी साहब सब BJP से जुड़े तुड़े हैं, बहनों ही है लड़के वालों का, और इनका सबका रिश्तेदार है वो जिला पंचायत सदस्य BJP का मेंबर है। क्या नाम है? कृष्ण अवतार लोधी। आप पर दबाव बनाया जा रहा है? हम पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि साहब कि राजीनामा कर ले, नहीं तो यहीं की बात तो यहीं ख़त्म कर ले, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे साले, क्योंकि तू इधर उधर भागे भरा है। जाति सूचक शब्दों से गाली देते हैं साले, चमार तू हमारी बराबरी करेगा, फलाना है ढिमका है,
अच्छा, हम इस तरह से कोई दबाव प्रेशर इसका झेलना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो हम और परिवार अगर हमारा आत्महत्या कर लें तो जिम्मेदार पुलिस और ये सब मतलब चारों आरोपी होंगे आगे के। आप लोगों ने FIR कराई? FIR कराइए साहब, महीना एक हो गया, हम 17 तारीख को FIR दे चुके हैं, आज 16 तारीख हो गई, कहीं कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। पुलिस वगैरह? पुलिस तो साहब बुलाती है हमें और बोलती है कि लड़की को इधर बैठा के उधर बैठा के लड़की पे दावा बनाते हैं और बोलते हैं कि एक का नाम ले, चार का नाम क्यों ले रही है, ये है वो है। सर, जो एप्लीकेशन में जो आपने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? हमने साहब एप्लीकेशन में लिखा है कि साहब हमारी लड़की मतलब उठा ली गई है। ऊपर वाला बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग जो है बाबा साहब के नाम से की है, उसमें क्या है? हाँ साहब, हम दलित समाज से हैं, समझे? शुरू स्टार्टिंग में बताइए। दलित समाज से हैं, इसमें मतलब ये है कि हमारी लड़की मतलब नाबालिग बच्ची है, ये पटवाई खाता खुलाने आई थी, वहाँ पहुँच नहीं पाई साहब को, साहब हम मतलब इसके लड़की के माँ बाप तारीख पे गए थे। किसको बताने के लिए आए? अभी तो साहब हम भीम साहब अंबेडकर साहब को बताने के लिए आए हैं कि साहब कोई इंसाफ दिलाया जाए हमें, वरना आगे क्या होगा ये तो साहब अब सरकार जाने या जाने, हम तो आत्महत्या कर सकते हैं किसी भी दिन इतने बड़े दबाव में हम लोग। कौन था पार्क ये? अंबेडकर पार्क रामपुर है।